हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और भी शाम के टाइम है और शाम के ही 5 बज रहे हैं और ना अभी 5 बजे लग रहा है ना कि दोपहर है, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी, इतना धूप हो रहा है कि क्या ही बताएं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, पानी पीते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये ना साड़ी में कल ब्लॉग अपलोड की होंगी, आप लोगों ने देखा होगा, तो कल ब्लॉग में मैंने पहना हुआ था। साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, बट ना थोड़ा सा साड़ी का कपड़ा ना थोड़ा सा मोटा है, ये ना गर्मियों में पहनने लायक नहीं है। इसको अब मैं इसको ना फोल्ड करके रख ही दूँगी, अभी सीधे इसको सर्दियों में मैं निकालूँगी। तो कल से मैंने ऐसे ही रखा था, क्योंकि ब्लॉग अपलोड करने के बाद खाना बनाओ खाओ फिर बेटू को देखो, फिर मुझे टाइम नहीं मिला था। और कपड़ा तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि एक आप लोगों ने देखा होगा वाशिंग ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, तो उसी दिन मैंने कपड़े धुला था ना मशीन में, तो ऐसे ही पड़े हैं। और इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि क्या ही बताएं। और इस रूम में ना पंखा भी बहुत स्लो चल रहा है, तो इस वजह से मैं फोल्ड नहीं की थी। और ये है साड़ी ना, अभी मैं इसमें फाल लगाई हूँ, आधा लगा दी हूँ, आधा लगाना बचा है। तो ये भी ऐसे ही रखी थी, तो मैंने सोचा इसको फोल्ड कर लेते हैं, तो फाल ना सिकुड़ जाएगा, तो इसको ऐसे फोल्ड करके रख दूँगी। देखती हूँ आज, आज तो टाइम ही नहीं मिलेगा, कल इसको ना कंप्लीट लगा दूँगी इसमें फाल। तो आप लोग को साड़ी ब्लॉग ज़्यादा ही पसंद है, बट इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि मुझे पहनने का मन ही नहीं करता है। और यहाँ पे कपड़े थे दिव्यांशु के और बेडशीट वगैरह है, तो मैं इसको भी फोल्ड कर लूँगी, क्योंकि पूरा नहीं फोल्ड कर पाऊँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना। कुछ आधा कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ और आधा फिर टाइम मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा है ना वॉशिंग मशीन में। वैसे भी इकट्ठा करके डालो तो ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। चलिए, इन तक बने ढेर सारा प्यार दीजिएगा, देख रहे थे प्यार से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। और एक भैया लोग का कमेंट आ रहा था ना कि सूट में पहन के वॉशिंग ब्लॉग अपलोड करिए, तो वो भी जल्दी आ जाएगा, बस नेक्स्ट ब्लॉग आ जाएगा वॉशिंग ब्लॉग, तो थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद ना अभी मुझे छत पे जाना है, अभी तो नहीं जाएंगे, 7 बजे ही जाएंगे, क्योंकि अभी 5:30 बजे तक, 6 बजे तक बेटू को उठाएंगे, अभी ये 4 बजे ही सोए हैं, तो मैंने सोचा जब तक सो रहे तब तक कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। और बेटू आजकल इतनी ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं ना, क्या ही बताएं। वहाँ पे रहता था ना तो अपने डैडी के साथ सुबह शाम घूमते थे, तो ठीक रहता था। अभी शाम के टाइम यहाँ भी निकालती हूँ शाम के टाइम थोड़ा सा छत पर रोड पर बाहर, बट इनको नहीं, दूर तक टहलने जाना, इतनी गर्मी में मैं कहाँ ही लेके जाऊँ इनको। और रात में तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गए थे ना कि मम्मा पता नहीं क्या मांग रहे थे, याद नहीं आ रहा है। और मैं बोली कि लूटू को लाती हूँ, तब तक ऐसे ना गन से मार दिए नोज पे, मेरे नोज पे कट गया है। गुस्सा तो आया था कि मारूँ, क्या ही मारूँ, बच्चे ही तो बदमाशी करते हैं, ये सोच के छोड़ देती हूँ। क्योंकि कभी कभी इनकी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बदमाशी हो जाती है ना कि मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना बदमाशी करते हैं क्या ही बताएं।
तो फ्रेंड्स फाइनली कपड़े फोल्ड हो गए थे। अभी बेटू सो रहे थे तो बेटू भी अभी जग गए हैं। थोड़ी देर ये रोए थे तो इनको मैंने खिलाया पिलाया था, अभी ये खेल रहे हैं। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अभी शाम के 6 बज गया है। और दिव्यांशु भी कोचिंग से आ गए हैं तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने चाय। और चाय के साथ थोड़ा सा चिप्स रहता है तो और अच्छा लगता है, और बेटू भी खा लेते हैं इनको अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा चिप्स भी तल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आदत सी पड़ गई है, तो खाना पीना तो है ही। तो यहाँ पे मैंने चाय बैठा दिया, इसके बाद मैं चिप्स तल लेती हूँ। तो चलिए इन तक मैंने ढेर सारा प्यार दीजिएगा, देखने तो प्यार से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके पानी भर दे। ओके 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 जल्दी भी पानी भरो भाई बेटो को। तो
फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ चिप्स चाय लेके पहुँच गए हैं खाने के लिए। चिप्स चाय पीने के लिए यहाँ पे बेटू हैं, और बेटू को ना किसी बात के लिए जिद पकड़ लेते हैं। तो यहाँ चेयर पे मैं बैठ रही थी, नहीं बैठने दे रहे थे। फिर मैंने दिव्यांशु से बोला कि आप दूसरी चेयर पर बैठ जाओ, तो मैं भी दूसरे चेयर पर, दिव्यांशु भी दूसरे, और ये खाली चेयर पड़ी है इनके पास। तो इसके बाद मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं लिया था, थोड़ा सा लिया था। छत पर हम लोग गए थे पानी डालने के लिए। तो छोटे से ब्लॉग है, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, देख रहे तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अभी हम लोग आ गए थे छत पे पानी डालने के लिए।